हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि मीना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक डिप्लॉयड सेल के द्वारा एक हैप्लॉयड गैमेट का निर्माण किया जाता है। मेल की अगर हम बात करें तो मेल में जो हैप्लॉयड गैमेट है उसे हम स्पर्म कहते हैं और इसका निर्माण टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। वहीं फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज होते हैं और इन ओवरीज के अंदर जो ओवा है, गैमेट जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माण किया जाता है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इस लास्ट क्लास में हमने देखा था स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया, इसको टू पार्ट्स में आप पढ़ते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। इस प्रक्रिया में कि कैसे जो टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इनकी जर्मिनल एपिथीलियम से कैसे एक स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। तो ये टोटल तीन फेजेस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन फेज या गुणन प्रावस्था पढ़ी थी, सेकेंड पढ़ी थी ग्रोथ फेज और थर्ड पढ़ी थी हमने मैच्योरेशन फेज। तो इन जो फेजेस हैं इसमें माइटोसिस व मियोसिस की क्रिया के द्वारा जो एक जर्मिनल एपिथीलियम है उससे क्या होता है, एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है उससे चार स्पर्मेटिड्स का निर्माण किया जाता है। जो आज की हमारी क्लास है इसमें हम इसका सेकेंड स्टेप, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो सेकेंड स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस, ये डिस्कस करेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, राउंड स्ट्रक्चर होती है, ये मोटाइल और इलोंगेटेड स्पर्म के अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर जो इसका कन्वर्जन है उसे हम पढ़ते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेड। इसके हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे जैसे चेंजेस इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ गोल्जी फेज पढ़ेंगे, कैप फेज, एक्रोसोम फेज और सेकंड पढ़ेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ टेल। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हेड से। तो आप देखिए कि जो हेड है उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो हम अगर बात करें स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या चेंज होते हैं, तो इसका जो न्यूक्लियर कैप होती है उसके अंदर से वाटर क्या होता है, लूज़ हो जाता है, रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से ये श्रिंक हो जाता है न्यूक्लियर कैप। साथ ही साथ क्या होते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी कोशिका हो, जो कोशिकाएँ होती हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, या तो डी एन ए होगा या आर एन ए प्रजेंट होगा। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होता है, आर एन ए को एलिमिनेट कर दिया जाता है और ओनली डीएनए यहाँ पे रिमेंड रहता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे के पास में क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं और इसका आयतन, न्यूक्लियस का आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियस की शेप के बारे में, तो जो न्यूक्लियस होते हैं ये, जैसे स्पर्मेटिड के न्यूक्लियस की बात करें तो ये कैसा होता है, शेप में स्फेरिकल होता है, लेकिन ये परिवर्तित होकर, इसका आकार परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है, दीर्घित हो जाता है और साथ ही साथ में संकरा हो जाता है। ये जो शेप होती है इसकी न्यूक्लियस की, ये क्या होती है, सबके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं इनमें इनकी शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये किस पे डिपेंड करता है, मेनली तो जो कैसा वो मीडिया है जहाँ पे ओवा तक रीच करने के लिए इसको किस तरह का मीडिया प्रोवाइड हो रहा है, इस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्या देखते हैं, आपकी जो न्यूक्लियस होता है ये धीरे धीरे कैसा हो जाता है, एक्सेंट्रिक हो जाता है, उत्केंद्री हो जाता है। और जो न्यूक्लियस होता है इसके बाहर, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म की एक बहुत ही पतला इसका एक लेयर पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट है जो फेज हम पढ़ेंगे वह है गोल्जी फेज। तो गोल्जी फेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस, सॉरी जो हेड पार्ट है स्पर्मेटिड है उसके अंदर जो गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस जो पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, एक ग्लाइकोप्रोटीन रिच ग्रैन्यूल्स को सीक्रेट करते हैं, वो सारे ग्रैन्यूल्स को सीक्रेट करते हैं। और ये ग्रैन्यूल्स कैसे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की अधिकता इनके अंदर देखने को मिलती है। इन ग्रैन्यूल्स को हम प्रोएक्रोसोम ग्रैन्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये जो ग्रैन्यूल है प्रोएक्रोसोम ग्रैन्यूल्स, ये क्या करते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होकर के एक सिंगल लार्ज एक्रोसोमल ग्रैन्यूल बनाते हैं। ये जो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल होता है यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, ठीक है।
तो ये क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होगा। इस नेक्स्ट है, ये तो हुआ गोल्जी फेज। गोल्जी फेज में आपने देखा कि गोल्जी एपरेटस के द्वारा प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का निर्माण हुआ, और इन ग्रेन्यूल्स के द्वारा किसका निर्माण होता है, इनके संघनन से एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का निर्माण होता है। नेक्स्ट फेज आता है इसमें कैप फेज। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, एक कैप का फॉर्मेशन होगा, और ये कैप का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स और एक्रोसोमल वेसाइकल्स हैं, ये क्या होती हैं, जो न्यूक्लियस है उसका फ्रंट का जो हाफ पार्ट है उसके ऊपर क्या होती है, फैल जाती हैं और कैप का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो शेष बची जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं, इनका क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, प्रतिक्रमण हो जाता है, और ये गोल्जी रेस्ट के रूप में शुक्राणु द्वारा क्या कर दी जाती हैं, निष्कासित कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कैप फेज के बाद में जो हम पढ़ेंगे वह है एक्रोसोम फेज। एक्रोसोम फेज में जो मैंने अभी बताया कि क्या होगा, जो रिमेनिंग गोल्जी एपरेटस हैं ये क्या होंगी, डिग्रेड हो जाएंगी गोल्जी रस्ट के रूप में, और क्या हो जाएंगी, बाहर शुक्राणु से बाहर निष्कासित कर दी जाएंगी। अब यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ के अंदर एक एक्सियल बॉडी या एक्रोसोमल कोर अपियर होती है, और यह कहाँ अपियर होती है, एक्रोसोमल ग्रैन्यूल और न्यूक्लियस के बीच में। जो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल है और न्यूक्लियस है, इनके बीच में क्या अपियर होगी, एक एक्सियल बॉडी या एक्रोसोमल कोर अपियर होती है, जो कि क्या करती है, किस में हेल्प करती है, ये कब डेवलप होती है, पहली बात तो कि जब जो स्पर्म है वह एग को अप्रोच करता है उस टाइम पे इसका डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान जो एग की मेम्ब्रेन होती है उसको डिसॉल्व करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो स्टेज वह है फॉर्मेशन ऑफ टेल। तो फॉर्मेशन ऑफ टेल में आप पढ़ते हैं कि इसमें टेल का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले जब हमने स्पर्मेटिड का निर्माण पढ़ा था, तो उस स्पर्मेटिड के निर्माण के दौरान क्या होता है कि जो सेंट्रोसोम होते हैं, इसमें जब सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन पाया जाता है स्पर्मेटिड के में, तो उसी दौरान सेंट्रोसोम क्या किस में डिवाइड हो जाता है, टू सेंट्रियोल्स में डिवाइड हो जाता है। और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडीज़ होती हैं जो एक दूसरे से, ये जो दो सिलेंड्रिकल, एक सेंट्रियोल दो सिलेंड्रिकल बॉडीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है, जो कि एक दूसरे से राइट एंगल पर स्थित होती हैं। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या होते हैं, जब स्पर्मेटिड के मेटामॉर्फोसिस की जब अर्ली स्टेज चल रही होती है, उस टाइम पे ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस के पश्च भाग में आ जाते हैं, है ना, इस दौरान पे पश्च भाग में आ जाते हैं, तथा क्या करते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियस का पश्च भाग है यहाँ पर एक गड्ढे का निर्माण होता है, और जो एक सेंट्रियोल है वह क्या होता है, इसके अंदर, इस डिप्रेशन के अंदर क्या हो जाता है, राइट एंगल पे समकोणिक स्थिति में जो मेन एक्सिस है स्पर्मेटोजोआ का, जो मेन एक्सिस है उससे राइट एंगल बनाते हुए उस इस डिप्रेशन में स्थित हो जाता है। इस जो सेंट्रियोल है जो इस डिप्रेशन में स्थित हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्रोक्सीमल सेंट्रियोल। और वहीं दूसरी तरफ जो तारक केंद्र है जो इसके पीछे स्थित होता है उसे हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, इसका मेन काम क्या होता है, ये एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करने का कार्य करता है। अब यहाँ पे जो स्पर्म होता है, स्पर्मेटोजोआ, इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये क्या होते हैं, जो डिस्टल सेंट्रियोल है और साथ ही साथ जो एक्सियल फिलामेंट का जो अपर पार्ट है, डिस्टल सेंट्रियोल क्या बनाता है, एक्सियल फिलामेंट बनाता है, तो जो इसका अपर पार्ट है इसके चारों तरफ क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये क्या कार्य करते हैं, ये जो स्पर्म है इसको अंडाणु की ओर गमन के समय क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। तो जो दूरस्थ तारक केंद्र द्वारा अक्षय सूत्र का जो निर्माण होता है, उसमें धीरे धीरे ये माइटोकॉन्ड्रिया पीछे की ओर वृद्धि करते हैं, और जो स्पर्मेटिड सेल्स होती हैं, स्पर्मेटिड होते हैं, इन सभी सभी माइटोकॉन्ड्रिया इस एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर एक जो स्पाइरली कोइल्ड हो जाते हैं, एक आच्छद का निर्माण करते हैं, एक शीत का निर्माण करते हैं, और इस शीत को हम निबिनकर्ण शीत के नाम से जानते हैं, निबिनकर्ण शीत के नाम से।
और जो स्पर्मेटिड्स होते हैं इसमें जो मोस्टली जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाता है, उसका हाश हो जाता है और सिर्फ कुछ ही जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है, मध्य खंड की ओर गति कर पाता है, वह परिधि की ओर एक आच्छद बनाता है ये साइटोप्लाज्म, और इस आच्छद को, इस शीत को हम कहते हैं मेंसेट शीत। तो और जो टेल होती है, जो एंड पीस होता है स्पर्म का, जो टेल पार्ट होता है उसका एंड पीस, उसमें किसी भी कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टेल फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, हमने अभी जाना कि किसके द्वारा होगा टेल का फॉर्मेशन, सेंट्रियोल के द्वारा होता है, और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो क्या करता है, एक फिलामेंट का निर्माण करता है। तो यह जो फिलामेंट होता है ये क्या करता है, अपनी लेंथ में ग्रोथ करता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन इसके बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है कि जो कोशिका द्रव्य भी वह इसके साथ साथ क्या होता है, बढ़ता रहता है और एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करता है। लेकिन इस सूत्र की जो लंबाई है, इस फिलामेंट की जो लंबाई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अंततः यह कोशिका की जो सीमा होती है उसको तोड़कर बाहर निकल जाता है और जो कोशिका द्रव्य होता है इसे आवृत करने में समर्थ नहीं रहता। तो पूंछ भाग में कोशिका द्रव्य जो होता है वह क्या होगा, अनुपस्थित होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो पूंछ का जो अंतिम खंड है उसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य अनुपस्थित होता है और इसे हम एंड पीस के नाम से जानते हैं। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं इनके द्वारा हमने देखा कि कैसे स्पर्म का निर्माण होता है। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा जिन स्पर्म्स का निर्माण होता है ये सर्टोली कोशिकाओं में दसे रहते हैं, और इन स्पर्म्स की जो होते हैं ये क्या करते हैं, इन सर्टोली कोशिकाओं से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे साथ ही साथ में अगर हम इनके हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो ये पूरा प्रक्रम है इसके लिए जो मेन हार्मोन्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, एक तो हाइपोथैलेमस से जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कार्य करता है, जो कि किस पे कार्य करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है FSH व LH हार्मोन यहाँ पे है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन जो हार्मोनल रेगुलेशन है उसमें कार्य होता है। तो आज की जो क्लास थी इसके अंदर हमने देखा कि कैसे जो स्पर्म में एक स्पर्मेटिड है जो कि एक नॉन मोटाइल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, वह एक मोटाइल स्ट्रक्चर में स्पर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, इसके जो न्यूक्लियस पार्ट है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ एक्रोसोम में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, और टेल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।